नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी 2021 के लिए जो आपका एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है, उसमें 160 टाइम मैनेजमेंट आते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और हिंदी जीएस रीजनिंग मैथ में आपको 2 घंटे में कितना आपको समय हर एक सब्जेक्ट को देना है, जिससे कि आप जो है मैक्सिमम अपना स्कोर कर सकें, ठीक है। और उसमें एक कॉमन सा सवाल मैं ये भी देना दूंगा मैं, कि क्या 160 क्वेश्चन सारे करना चाहिए या फिर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है, ये जब नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा, तब उस समय मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तब भी लोगों की क्यूरियोसिटी है तो मैं उसमें बता दूंगा। नॉर्मलाइजेशन की वीडियो जो है, जब जब ऑर्डर आ जाएगा यूपीएसआई 2016 के लिए, उस समय आपको जो है इसमें बताया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि उसमें उसको बकायदा फॉर्मूला वगैरह सब मेंशनड होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें बता दी जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई 2021 के लिए आपका जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बैच 10 मार्च से स्टार्ट हो गया है। ये 2 नंबर है, आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, वीडियो की लिमिट 30 से 35 मिनट होगी, और आपका पीडीएफ में आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। इनमें ये सारे सब्जेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि अगर आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते समय जो है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और एग्जाम में भी आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना कितना आपको समय देना चाहिए। देखिए दोस्तों, 2 घंटे का समय होता है, 2 घंटे का समय, 2 घंटे को हम मिनट में बांटते हैं, तो 120 आपका मिनट बैठते हैं। अब 120 मिनट में आपको कितना 160 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन भी नहीं बनता, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास हर क्वेश्चन के लिए, अगर हम 160 क्वेश्चन को लेकर चलें, तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है। अब एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी वाला पोर्शन आता है। देखिए, हिंदी वाला एक पोर्शन ऐसा होता है जिसमें कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आपको आपको एक तरीके से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ना आपको कोई पेन चलाना है। तो हिंदी के लिए अगर हम देखें तो 40 क्वेश्चन अगर हिंदी में आते हैं, तो 40 क्वेश्चन में अगर आप एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड लगाते हैं, 30 सेकंड अगर आप एक क्वेश्चन पे लगाते हैं, तो आपके 20 मिनट होते हैं। मतलब 20 मिनट में आप 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको लेके चलना है, 20 मिनट से कम कम में ही आप लेके लेके चले। देखिए, हिंदी और जीएस में एक ऐसा सीन होता है, हिंदी में, पहली बात तो मैं हिंदी बता दूं, हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं आते हैं, बहुत ही सीधे लीनियर टाइप के आते हैं, वो सीधे सीधे लाइन लिखी होती है, उसमें इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आते हिंदी में। तो हिंदी में आप कोशिश करिए कि 20 मिनट से आप कम में ही उसको सॉल्व करिए हिंदी को, ठीक। एक बार में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार में सबसे पहले जितने आपको सही सवाल आते हैं, जितने आप 100% कॉन्फिडेंट हो, देखिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 100%, फिर आपका 50%, ठीक है, फिर आपका जो है यहां पर आ जाता है आपका हिट एंड ट्रायल। मतलब पहले वो सवाल को करिए जिनमें कि आप 100% श्योर हैं कि हाँ आंसर इसका यही है। उसके बाद आप उन सवालों को करिए जिनमें आप 50% है, 50% मतलब आप 2 ऑप्शंस को जो है अलग कर पा रहे हैं, 2 ऑप्शंस को आप छोड़ पा रहे हैं, ठीक, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, वहां पर रिस्क जो है फ्रूटफुल भी होता है, ठीक। और उसके बाद तो आपका तुक्का ही, जो उसको कहा जाता है कि बिना सोचे समझे तुक्का मार देना, ये बहुत रिस्की होता है, इसमें 100% रिस्क होता है। तो हिंदी को आपको 20 मिनट्स का टाइम लेके चलना है, 20 मिनट के अंदर ही अंदर आपको हिंदी को सॉल्व करना है। इस चीज को आप प्रैक्टिस करिए अभी से ही, हिंदी आपकी 20 मिनट से कम में सॉल्व हो। अब मैं बात करता हूं जीएस की। अब देखिए, जीएस उसके जीएस का पोर्शन जो जब आएगा आपका, इसके तुरंत बाद जीएस का पोर्शन होता है। तो जीएस के पोर्शन में क्या है कि वैसे तो यहां पर उसमें लिखा होता है, जैसे जीएस का पोर्शन हो गया, हिंदी का हो गया, तो आप जो क्लिक करोगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी, आपको ऐसा नहीं एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़े। लेकिन मैं एक एक करके लेके चल रहा हूँ। जीएस में भी आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, और आपका इसमें भी आपको इसमें क्या करना है, देखिए हिंदी में मैंने आपको क्यों कहा, हिंदी में कोशिश करिए 20 मिनट से कम लाके 15 मिनट में आप अपने आप को सिक्योर करिए, जिससे कि आप अगर यहां पर जीएस में क्या होता है, जीएस में स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, खासकर संविधान में और मूल विधि और अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपको बैठ के कम से कम 2 बार पढ़ोगे क्वेश्चन को, तभी आपको वो समझ में आएगा कि वो डिमांड क्या कर रहा है। नहीं तो जल्दबाजी में, जैसे कि मैं जो चैनल पे क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, स्टूडेंट यही नहीं समझ पा रहा है कि क्या नाम है,
लोकसभा और राज्यसभा का जो सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, ठीक। उनको यही समझ नहीं पा रहे हैं, आधे आधे लड़के क्वेश्चन गलत दे रहे हैं वो, ठीक, आंसर गलत दे रहे हैं। तो ऐसे ही चीजें कंफ्यूजिंग आ जाती है वहां पे। तो कंफ्यूजिंग में आपको क्या करना है, वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है। हो सकता है एक क्वेश्चन हिंदी में, तो एक बार में एक क्वेश्चन को आप पढ़ के सीधा बोल देगा कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना। लेकिन जीएस में आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन देगा, तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन को हो सकता है अगर मान लीजिए 15-40 में से 15 भी क्वेश्चन ऐसे हो गए या 20 भी ऐसे हो गए जिनको आपको दो बार पढ़ना पड़ गया, तो आपका वहां टाइम कंसप्शन होगा। तो इसीलिए जीएस के पोर्शन को 40 क्वेश्चन के लिए आप जो है लगभग इसको 25 मिनट टाइम दीजिए, ठीक। 25 मिनट आपको टाइम तब देना जब आप हिंदी को जो है 15 मिनट आप में लेके आए। जिसकी जिसकी हिंदी अच्छी है तो हो सकता है 10 मिनट में भी कर ले, लेकिन मैं 15 मिनट एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो 25 और 15 आपका जो है लगभग ये दोनों को दोनों मिला के 40 मिनट हो जाता है। 40 मिनट्स में आपको हिंदी और जीएस को खत्म करना है, 40 मिनट्स में, ठीक। अब इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप कौन से 5 सर मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो मेरा टाइम हो जाएगा, मैं वो नहीं बता, मैं ये कह रहा हूं जब आप 40-40 क्वेश्चन दोनों में करोगे तब की मैं आपको टाइम लिमिट बता रहा हूं ये, ठीक है। 15 मिनट्स इन हिंदी और 25 मिनट्स जो है वो जीएस के लिए, आपको ये आपके पास टाइम होना चाहिए इतना, इतने में ही करोगे। नहीं तो दोस्तों मैंने खुद ऐसी चीजें देखी हैं कि सवाल आते हुए सवाल को सोचते हुए लेकिन टाइम वहां पर बिल्कुल भी नहीं था, पता लग रहा है कि वहां पर 5 मिनट बचा हुआ है और आपके जो है जीएस में या फिर हिंदी में 20-25 क्वेश्चन बचे हुए हैं या मैथ में 10 क्वेश्चन बचे हुए जिनको आप कर सकते हो, जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ड्यू टू टाइम जो है आपके पास नहीं है क्योंकि आपने टाइम फालतू चीजों में वेस्ट कर दिया, वहां पर आप जो है प्रॉब्लम में आ जाओगे। हमेशा याद रखना आता हुआ क्वेश्चन ना छूटे ना गलत हो। अगर आता हुआ क्वेश्चन छूट गया या गलत हो गया तो मतलब ये समझ लीजिए कंपटीशन से आप बाहर पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो है रीजनिंग की, इसके बाद आपका पोर्शन पहले मैथ का आता है, थर्ड पोर्शन मैथ का आता है। अब देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग इनको मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। देखिए रीजनिंग में थोड़े से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट वाले और पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं, तो इसलिए रीजनिंग में अब देखिए 80 मिनट आपके पास बचता है, रीजनिंग और हिंदी निकाल के आपके पास 80 मिनट बचता है और 80 मिनट में आपको 80 ही क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1 मिनट का एक क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है। अब 1 मिनट के एक क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि रीजनिंग में अगर 40 क्वेश्चन में से मान लीजिए 20 क्वेश्चन ऐसे हुए जो कि स्टेटमेंट वाले हुए, ठीक है, 20 क्वेश्चन ऐसे हुए जो स्टेटमेंट वाले हुए जिनमें आपको टाइम लग सकता है, तो भी मैं आपको आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जो है मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा आपकी अगर मैथ मजबूत है, अब इसमें आपके ऊपर होगा, मान लीजिए आपकी मैथ मजबूत है, ठीक है, मैथ आपकी मजबूत हो गई तो मैथ में आप क्या करोगे 30 से 35 मिनट में भी सवाल निकाल सकते हो, 40 मिनट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो वहां पर भी आप 30-35 से लेकर 40 मिनट में आपसे निकाल सकते हो। तो अगर ये आपको देखना पड़ेगा मैथ या रीजनिंग में से आपकी कौन सी अच्छी है, अगर जो आपकी अच्छी होगी उसमें आप ऑटोमेटिकली टाइम जो है कम लगाओगे और जो आपकी खराब होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो ज्यादा लगाओगे। जो पोर्शन आपको बहुत भारी लगता है, जो पोर्शन आपको टफ लगता है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि उसको उसको थोड़ी देर बाद ही आप अटेम्प्ट करें। ये नहीं कि अगर आपको मैथ कमजोर लगती है तो सीधे मैथ पे कूद गए जाके, वहां डिमोरलाइज हो जाओगे, सही क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले वो वाला पोर्शन स्टार्ट करिए जिसमें कि आप बहुत ही स्मूथ हैं, जिसमें कि आप बहुत अच्छा जानते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ में आपको खुद डिसाइड करना है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट में कितना ले जा रहे हो, ठीक है। 40-45 मिनट से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ रीजनिंग भी आपकी जो है बहुत ही अच्छे लेवल की आती है और रीजनिंग में भी आपको स्टेटमेंट वाले आते हैं। मैं दोस्तों आपसे बता दूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन कर ले रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वहां टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। वहां पे टाइम जो है, यहाँ घड़ी जो होती है यहाँ पे उल्टी घड़ी घूमती रहती है और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती वो 5 से 10 मिनट तो बिल्कुल ही एकदम शॉक में आ जाते हैं। 5 मिनट बटा बचा है, फिर 4, 48, 47, 46 ऐसे करके नंबर जब चलते हैं तो एकदम समझ में नहीं आता क्या करें। तो इसीलिए प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस लगाइए। कोशिश ये करिए कि एग्जाम तक आप कम से कम नहीं तो 30 या 40 सेट लगा के जाइए। और जब भी आप सेट लगाने बैठिए, ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप पे सवाल आ रहा है, मैं आगे वो चीज बताता हूं आपको। तो यहां आपको मैथ और रीजनिंग में आपको समझ में आ गया, यहां पर आपको 80 मिनट का समय खुद डिवाइड करना है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो 30-35-40 मिनट में निकालिए, और आपका अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप वहां पर जो है अपना कोशिश करिए। टाइम आपके पास लास्ट के 5 मिनट तो आपको वो आपको रिव्यू करने के लिए होने चाहिए, मतलब आपके पास 5 मिनट जो होने चाहिए ना लास्ट के, जिसमें कि आप जो है एक तरीके से सारे क्वेश्चन रिव्यू कर दें,
हो सकता है ना कि आपको स्टार्टिंग में कोई चीज समझ में ना आ रही हो, लेकिन लास्ट में आते आते आपका दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, तो वो क्वेश्चन आप बाद में कर लो। तो 5 मिनट्स जो होने चाहिए, 5 to 7 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए, ठीक, जो आपने क्वेश्चन नहीं किए हैं या फिर जो आपने क्वेश्चन जो है रिव्यू में डाल दिए, उनको आप दोबारा एकदम देखो कि हाँ क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तुरंत आंसर लगाया। ये चीज आपको जो है देखनी पड़ेगी उसमें, ठीक। तो दोस्तों आपको यहां पर जो है टोटल तरीके से इस तरीके से आपको करना है आपको। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जब जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर देने बैठे हैं, तो सबसे पहली बात 2 घंटे का टाइम लगा के बैठे हैं। अब जैसे अगर आप ऑफलाइन भी सॉल्व कर रहे हो, जैसे मान लो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, तो प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ सेट की तरह लगाओ, क्या हाँ आप वहां पर बैठ के सेट लगा रहे हो। उसमें क्या करो आप जो है तुरंत एकदम जो है क्वेश्चन पेपर को सेट करो, ठीक, या फिर तो आप एक काम करिए कि जो आंसर हो उसमें, ठीक है, जो आंसर हो उस पर आप टेपिंग कर लीजिए, आंसर पे आप सारे क्वेश्चनों पे एक बार टेपिंग कर, क्योंकि मेनली क्या होता है कि उसी के नीचे आंसर लिखा होता है, जो घटना चक्र वगैरह की बुकें आती हैं, तो आप उन पे टेपिंग कर लो, उन पे कागज वागज चिपका दो या कुछ कर दो आंसर पे, छोटे छोटे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा आगे। और फिर क्वेश्चन सेट करिए, 2 घंटे लगा के घर वालों से सीधा बोल दो कि 2 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मोबाइल वोबाइल सब स्विच ऑफ, और फिर जाके आप लगाइए 2 घंटे का अलार्म सेट करिए मोबाइल में, ठीक, फ्लाइट मोड पे लगा के, और जैसे ही 2 घंटे हो वहां पर आपको एकदम एकदम चीजें जो है, और या फिर जो है अपना वो लगा लीजिए आप, जो टाइमर होता है, ठीक, टाइमर जो होता है वो आप लगा के करिए, तो वहां पर आपको बहुत ही धीरे 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 जो है आपको बहुत अच्छा आपको लगने लगेगा, और आपका टाइम बहुत मैनेजमेंट हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आते हुए भी आप जो है वहां पर लूज कर जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन पर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, उनको आता सब था लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। अब बात करते हैं कि 160 क्वेश्चन क्या सारे अटेम्प्ट किए जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाए। दोस्तों ये आपको वहां पर क्वेश्चन पेपर में खुद सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा क्या मेरे से। अब जैसे मान लीजिए आपने जीएस उठाया, अब जीएस में आपने जो है 20 में से 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे ही मार दिए बिना कुछ टेंशन लिए, या रीजनिंग हिंदी में आपने 30 से ऊपर जो आप नॉर्मली चले जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा सेट टफ सिंपल आया है। सिंपल सेट में आप जो है देखिए हर एक स्टूडेंट को मैं कहता हूं 150 क्वेश्चन तो आपको करके ही आना है, 150 क्वेश्चन तो मिनिमम, जितने भी लोग हैं चाहो कैसे भी करो आप, क्योंकि बात ये होती है मान लो आपने 120 क्वेश्चन करें, अब 120 में से 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 105 क्वेश्चन पे आप आ गए, नॉर्मलाइजेशन में 5 क्वेश्चन का और चेपा लगा, 100 पे आ गए, तो यहां क्या है, ये बाउंड्री लाइन है, ये रिस्की हो जाएगा, ठीक, आप दौड़ने में भी आपका मन नहीं लगेगा। तो ये वाली चीज है, अगर आप मान लो 150 क्वेश्चन करके आते हो, उसमें से मान लो 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो 120 पे आ गए, 120 क्वेश्चन में से मान लो 10 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में चले गए, तब भी 110 आ गए, 110 क्वेश्चन पे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको दरोगा बनने से रोक ले। जो लोग ये बहुत बड़ा बड़ा जो है बोल रहे हैं कि इतनी मेरिट जाएगी, कि 120 से ऊपर जाएगी, कि 150 से ऊपर जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है 120 के करीब चली जाए, ठीक, कोई इतना बड़ा वो मेजर अंतर नहीं आता, वो सिर्फ आपको डरा रहे हैं, इतना याद रख करके रखना। दूसरी बात, 90% यूट्यूबर्स को यही नहीं पता कि पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी, वो 300 से ऊपर बता रहे हैं, जबकि आप, मैं तो ये कहता हूं कि जो भी लड़के हैं लिस्ट 6 उठा के खुद देखिए, डाउनलोड करिए, गूगल पे जाइए, ठीक है, वहां डाउनलोड करिए, उसको देखिए, लिस्ट 6 में मिनिमम नंबर जनरल के, मिनिमम नंबर ओबीसी के, और मिनिमम नंबर SC ST के कितने आए जिनपे वो सेलेक्ट हुए हैं, खुद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक दरोगा को ध्यान से देखा भी नहीं है, वो लगता कैसा है, वो लोग ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए सारी की सारी चीजों में नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं करना है, 160 में से 120 130 समझ रहे हो आप कितना होता है, 9,500 वैकेंसी में आप कह रहे हो 160 में से 120 से ऊपर जाएगी, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना पेड बैच बेचते हैं डरा के, ठीक है, बेचते सब है, मैं भी बेचता हूं, ठीक है भाई, हमारी भी फैमिली है, हम जब आपको चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सीधी सी बात है, उसमें कुछ नहीं है, आप मार्केट में जाते हो फ्री में कोई देता है नहीं, बट डरा के आप ये पूछो कि नहीं अगर मेरे से नहीं करोगे, या फिर अगर आपने ये वाला चीज नहीं करी, नहीं आपने वो वाली चीज नहीं करी, मेरिट इतनी गई थी 130 से ऊपर गई थी, कोई मतलब बनता है मेरिट का, ठीक है, 299 पे तो 299 300 कुछ पे तो लड़का जो है टॉप आ गया था, ठीक है, 300 कुछ पे तो लड़का टॉप आ गया था, तो इसीलिए आप लोग ज्यादा सोचने सोचिए समझे में, तो नॉर्मलाइजेशन की वीडियो जो है मैं जल्दी लेके आऊंगा, थोड़ी देर में आपको जो है 12 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी, जो कि मैं 16 तारीख का सेकंड आपका सेट कराऊंगा, और उसमें आपको बहुत ही अच्छे से करना है, बैठ के करिएगा उसको, हर एक में 10-10 सेकंड का मैं पॉज दूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को वहां पे कर सके, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।